जय हिंद। कई पेंशनर्स को एक दिक्कत हो जाती है कि पेंशन में उनकी जो उनके साथ के जो रिटायर हुए हैं उनके साथ उनके ट्रेड से ही जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन कम आने लगती है, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती है। ऐसे में पेंशन में सुधार कैसे करें? दो तरीके होते हैं, आपकी पेंशन कम आ रही है या आपके पेंशन में जो बढ़ोतरी होनी है वो नहीं हुई है। तो दो तरीका है पेंशन में सुधार करने के, एक सीपी ग्राम, दूसरा स्पर्श। सीपी ग्राम के माध्यम से एक कंप्लेन देनी होती है और एक स्पर्श के माध्यम से देनी होती है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। सीपी ग्राम में कैसे कंप्लेन देते हैं इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख ले, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद बता दें कि सीपी ग्राम में कंप्लेन करने से आपको ये फायदा होगा कि उसमें रिप्लाई उनको जरूर देना पड़ता है। जैसे कि एक ये सिपाही भीमसेन है, ये 31 मई 2008 को रिटायर हुए थे और इनकी जो सर्विस पेंशन है 18,807 रुपए आ रही है, जबकि ये सिपाही ACP 1 नायक के बराबर इनकी पेंशन आनी चाहिए। इसमें बता दें डिसेबिलिटी एलिमेंट इनको 5,600 आ रहा है, जबकि इनको 6,000 कुछ रुपए आना चाहिए। DR अमाउंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि इनकी बेसिक में बढ़ोतरी होगी, तो DR भी बढ़ जाएगा और टोटल पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कैसे होगी? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक कंप्लेन सीपी ग्राम में देनी होती है। आप देख सकते हैं सीपी ग्राम में जब कंप्लेन दोगे तो इस तरह का आपका कंप्लेन नोट हो जाएगी और इसको अपने पास रखें। इन्होंने देखो किया है, भीमसेन नाम है और ये 6/10/2023 को इन्होंने कंप्लेन सीपी ग्राम में की थी। इसके बाद इन्होंने जो हिंदी में ही लिख दिया, आप जो भी हिंदी इंग्लिश रोमन जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा, आदरणीय मुख्य अभिलेख अधिकारी महोदय जी, आर्मी संख्या इतना सिपाही ACP नायक भीमसेन, ACP नायक ACP 1 इनको मिल रही है लेकिन पेंशन नहीं मिली अभी तक। 31 मई 2008 को सेवानिवृत्त हुआ था महोदय, सेना का कार्यकाल 15 साल 5 महीने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूं और मेरी पेंशन MACP नायक के तहत बनती है, परंतु महोदय मुझे मेरी पेंशन सिपाही रैंक के अनुसार ही दी जाती है, जो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। महोदय मेरी बेसिक पेंशन 20,107 रुपए निर्धारित होनी चाहिए। इनको 18,000 रुपए मिल रही लेकिन इनकी 20,107 रुपए निर्धारित होनी चाहिए। संज्ञान लीजिए और बेसिक पेंशन में संशोधन कीजिए। इन्होंने जो लेटर लिखा है आप देख सकते हैं, ये लेटर लिखने के बाद इनको क्या फायदा हुआ, एक इनके ही रिकॉर्ड से लेटर इनको भेजना पड़ा। उनके रिकॉर्ड ने कहा कि इसमें संशोधन संशोधन होना चाहिए। 12 अक्टूबर 2023 का ये लेटर है जो कि रिकार्ड महार रेजिमेंट ने भेजा है और PCDO को भी भेजा है। PCDO से कहा है कि सीपी ग्राम रजिस्ट्रेशन नंबर डेट 6 अक्टूबर 2023, नॉन रिसीप्ट ऑफ करेक्ट रेट ऑफ सर्विस पेंशन एरियर्स PPO नंबर, इस PPO नंबर पर सही एरियर और पेंशन नहीं आ रही है, इसको करेक्ट किया जाए। इसमें नाम भी दिया है भीमसेन का और इसमें पूरी जानकारी दी है कि इनको जल्द से जल्द 15 साल 5 महीने में ये रिटायर हुए हैं। ORP रिवीजन का भी इनको फायदा नहीं मिला है एज पर सर्कुलर 666 20 जनवरी 2023। तो ऐसी समस्या वाले सभी सीपी ग्राम में कंप्लेन करें, लेकिन अभी तक इनको पेंशन का पूरा फायदा नहीं मिला है। अब पेंशन का अगर इनको पूरा फायदा नहीं मिला है और इनके पास ऐसा लेटर आ गया है, फिर इसके बाद आप इनको स्पर्श में कंप्लेन देनी होगी। सीपी ग्राम में कंप्लेन तो दे दी लेकिन सीपी ग्राम के माध्यम से महार रिकॉर्ड ने PCDO को भी दे दिया है लेकिन PCDO ने उस पे एक्शन नहीं लिया है। तो इनको स्पर्श में अगर माइग्रेट हो गए हैं तो स्पर्श में भी एक कंप्लेन देनी होगी। अब स्पर्श में कंप्लेन कैसे देंगे मैं उसको बताता हूं। आप PCDO की वेबसाइट, स्पर्श PCDO की वेबसाइट में आएंगे, उसमें अपना लॉगिन करेंगे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। तो लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपको सबसे पहले जाना है ग्रीवेंस वाले कॉलम में, इसमें क्लिक करना है। जब इसमें क्लिक करोगे तो आपका इसमें नाम आ जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रेजिमेंट नंबर आ जाएगा, सर्विस कहाँ पे की है, ब्लू ऑफिसर रैंक आ जाएगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। नीचे आना है,
नीचे आने के बाद इसमें आपको डालना है अपनी कंप्लेन। सीपी ग्राम में ग्रीवेंस इसी में डालते हैं। ग्रीवेंस का मैं फिर बता दूं कि आपको ग्रीवेंस जो स्पर्श में डालनी है वो ग्रीवेंस में क्लिक करेंगे। ग्रीवेंस में क्लिक करने के बाद ये सब आने के बाद नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपका इसमें ग्रीवेंस डिटेल पूछ रहा है तो वो डालनी है। तो ग्रीवेंस डिटेल में पहले कैटेगरी डालनी है, कौन सी कैटेगरी की आपने ग्रीवेंस डालनी है, पेमेंट रिलेटेड है या अदर है। तो मेरी पेमेंट रिलेटेड है, जो ये पर्सन थे इनकी पेमेंट रिलेटेड है तो पेमेंट में क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देखना है कि एलिमेंट पेंशन है या एलिमेंट नॉट सेंशन इन पेंशन है या डिडक्शन, कोई डिडक्शन एक्स्ट्रा हो गया वो है। तो इनमें तीन में आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं बता दूं कौन सा सेलेक्ट करना है, तो आपको मैं वो दिखा देता हूं। ये ग्रीवेंस डालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी पेंशन किस टाइप की है। अगर आपके पीपीओ में पेमेंट का दे दिया है कि आपकी पेमेंट बढ़ गई है लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिली है, जैसे कि एरियर नहीं मिला है, तो आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है, एलिमेंट ऑफ पेंशन। अगर आपको पेमेंट भी नहीं मिली है और पीपीओ में भी नहीं शो कर रहा है, आपका बढ़ के नहीं आ रहा है, तो एलिमेंट नॉट सेंशन इन पेंशन। तो ये दो ऑप्शन बहुत ध्यान देना है। अब जो वो पर्सन है जो जिन भीमसेन है, इनका क्या हुआ है, इनका आप देख सकते हैं कि इनका जो दिक्कत थी, इनकी पेंशन भी नहीं संशोधित हुई है और उसमें जो पीपीओ में भी संशोधन नहीं हुआ है। तो इनको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एलिमेंट नॉट सेंशन इन पेंशन। तो ये सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, इसको जब सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऐसे क्लिक कर लेना है इसमें। इसके बाद एलिमेंट का नाम डालना है, सर्विस पेंशन डालना है। अगर जो पेंशन फैमिली पेंशन है तो फैमिली पेंशन इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अप्रोक्स कितना अमाउंट आपका बढ़ आना चाहिए एक्स्ट्रा एरियर के साथ, तो वो इसमें 2 लाख डाल लिया, इनको 2 लाख तक आएगा अप्रोक्स। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे वो ऑलरेडी पीसीडीए स्पर्श आपको करेक्ट करके दे देगा। इसके बाद ड्यूरेशन कब से कब तक नहीं मिला है वो ड्यूरेशन इसमें डाल लेना है। इसके बाद ड्यूरेशन एंड डेट डाल लेनी है इसमें। इसके बाद अपना कमेंट इसमें लिखे कि क्या आपकी दिक्कत रही है, पूरी हिंदी या इंग्लिश में आप उसमें लिख सकते हैं अपनी पूरी बात, जो आपकी इसमें दिक्कत रही है, जो भी आपको पेंशन में दिक्कत है, नहीं आई है, कम मिली है, वो आप इसमें लिख सकते हैं पूरी बात। इसके बाद ये खाली छोड़ देना, अगर पहले कोई कंप्लेंट डाली है इसी से संबंधित तो इसमें लिखना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद इसमें अपना अपलोड करनी है, इस पेंशन स्लिप अपलोड करनी है जो इनको रिकॉर्ड से, एक महर रिकॉर्ड से जो वो मिला है उसको भी अपलोड कर देना है। तो दोनों चीज आप इनको अपलोड कर देनी है। वैसे पेंशन स्लिप भी अपलोड करने से काम चल जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड ने जो भेजा है लेटर पेमेंट करने का वो भी इसमें अपलोड कर दोगे, 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी और ये स्पर्श की कंप्लेन आपकी जो पेमेंट सैंक्शन है उसके बाद भी पेमेंट नहीं आ रही है तो उसके लिए है कि आपको उसका फायदा मिलेगा, यानी कि सबमिट करने के बाद 10-15 दिन के बाद आपकी पेंशन पूरी आने लगेगी। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।